शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। अब रसोई में खाना पकाना महंगा हो गया है, क्योंकि दिल्ली NCR में पाइप के जरिए रसोई गैस सप्लाई करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस ने PNG के दामों में बड़ा इजाफा करने का ऐलान किया है। एक ही दिन में करीब 10% PNG के दाम बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जाहिर है इसकी मार लोगों के किचन के बजट पर पड़ेगी। एक तो खाने पीने की चीज़ों की महंगाई, उस पर से खाना पकाने वाला गैस यानी PNG भी महंगा हो गया है। पर क्या आप जानते हैं, पिछले 6 महीने में PNG करीब 50% के करीब महंगी हो गई है। 1 अक्टूबर 2021 से पहले PNG 30.91 रुपये प्रति SCM में इंद्रप्रस्थ गैस राजधानी दिल्ली में सप्लाई किया करती थी, लेकिन 14 अप्रैल 2022 को PNG की नई कीमत बढ़कर 45.86 रुपये प्रति SCM हो गई। 1 अक्टूबर से पहले 60 दिनों के बिल पीरियड के दौरान अगर आप 25 SCM PNG की खपत किया करते थे तो आपको 772.72 रुपये और उसमें 6% वैट जोड़ दें तो करीब 812 रुपये PNG बिल का भुगतान करना पड़ता था। लेकिन 14 अप्रैल के बाद PNG की नई कीमत के मुताबिक आपको 1146.50 रुपये का भुगतान करना होगा और 5% जो राज्य सरकार टैक्स वैट वसूलती है उसे जोड़ दें तो आपको 1204 रुपये PNG बिल का भुगतान करना होगा। यानी खाने पकाने के ईंधन पर आपको 6 महीने पहले के मुकाबले 49% ज़्यादा पैसे का भुगतान करना होगा। यानी 1 अक्टूबर 2021 से पहले खाने पकाने के ईंधन पर हर महीने 400 रुपये के करीब खर्च होते थे, अब 600 रुपये खर्च करने होंगे। देश में PNG के जरिए घरों तक कुकिंग गैस सप्लाई की योजना का विस्तार किया जा रहा है। छोटे शहरों को CNG PNG के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे घरों तक सीधे पाइप के जरिए कुकिंग गैस सप्लाई की जा सके। लोगों को खाना पकाने के लिए LPG के मुकाबले सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके। लेकिन PNG के दामों में लगातार बढ़ोतरी सस्ते गैस सप्लाई करने के मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।